एनालिसिस करेंगे कोचिन शिप स्टॉक के बारे में, देखेंगे कोचिन शिप पे हम लोग को क्या टारगेट देखने मिल सकता है, स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे। आज के दिन स्टॉक में क्लोजिंग देखने मिला है 836.85 रुपीज के पास। ऑलमोस्ट देखा जाए तो पास्ट 2 मंथ से स्टॉक ऑलमोस्ट एक रेंज में हम लोग को ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जिसका नीचे की तरफ स्टॉक में सपोर्ट दिख रहा है 700 रुपीज़ का लेवल और ऊपर की तरफ स्टॉक में रेजिस्टेंस दिख रहा है ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का लेवल। इस 200 रुपीज़ के रेंज में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो क्या टारगेट हम लोग को स्टॉक दिखा सकता है, बात करते हैं। यहाँ से जब भी हम लोग को 900 रुपये के ऊपर कोई ब्रेकआउट देखने मिलेगा तो स्टॉक एक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है, लेकिन जब तक स्टॉक इस 200 रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक में कुछ इसी तरीके का मूव हम लोग को देखने मिल सकता है। थोड़ा मोड़ा स्टॉक साइडवेज हो सकता है या फिर स्लो एंड स्टडी स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस आएंगे जो कि 700 रुपीज़ के पास होगा, क्योंकि 700 रुपीज़ के लेवल के नीचे निकलते हैं स्टॉक अराउंड हम लोग को 500 रुपीज़ से लेकर करीब 400 रुपीज़ तक का भी फॉल देखने मिल सकता है, जो कि बड़ा गिरावट होता है, इसलिए स्टॉप लॉस आएंगे 700 रुपीज़ के पास। कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो करेंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं या फिर 900 रुपीज़ का ब्रेकआउट का वेट करें, क्योंकि 900 रुपीज़ के ऊपर निकलता है स्टॉक शॉर्ट टर्म सबसे टारगेट दिखा सकता है अराउंड 1000 रुपीज़ से लेकर करीब 1200 रुपया तक का, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक हम लोग को 1500 से लेकर 2000 रुपया तक का भी मूव ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।